चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल की कंप्लीट स्टडी और एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, किस डायरेक्शन में जाने वाला है और क्या होने वाला है, क्योंकि क्रूड में 3 दिन के अंदर में एक गिरावट देखी जा रही है, जिस गिरावट के कारण बहुत सारे लोग जिन्होंने ऊपरी लेवल में बाई किया हुआ है या जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, उनको ये कंप्लीट स्टडी चाहिए होगा कि क्या होने वाला है आने वाले सीरीज में। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो में कि इस वीडियो में जो भी स्टडी और एनालिसिस की जाती है ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। अगर आप ट्रेड करते हैं तो हमारी उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओनली इस वीडियो को जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के ट्रेड करें। सेकेंड थिंग, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अब हम स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑयल की एनालिसिस। चार्ट पे हमने 50 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के रिकवर कर रहा है, ये 50 डीमा मूविंग एवरेज है। यहाँ से इसका जो टारगेट था मिनिमम डाउनसाइड का जो था 3901 के आसपास बॉटम बनने के चांसेज है, और यहाँ से 20 डेज मूविंग एवरेज पे ये रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, जो अभी 4100 पे है। कल तक ये निचले लेवल पे शिफ्ट हो सकता है, जिसका हो सकता है 4090 के टारगेट के लिए हो सकता है बाउंस करे। लेकिन वो कौन से प्राइस से बाउंस करेगा, क्या टारगेट निकल करके आ रहा है और आने वाले सीरीज में क्या होने वाला है, और प्रीवियस जो ये बॉटम से जो मूव किया है, इसका गैन टाइम साइकिल पे मैं दिखाऊंगा कि परफेक्ट लेवल और डेट के साथ निकल करके आया है। तो इसके लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकेंड थिंग, ये जो गिरावट जो हो रही है और निचले लेवल से जो बाउंस किया है, तो क्या ये सस्टेन करने वाला है, तो इसके लिए जो प्राइस है RSI ने तो डाउन ट्रेंड में अभी शो कर रहा है और 40 के आसपास ये रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो सकता है। अगर ये सस्टेन करेगा तो इसके लिए 3990 के ऊपर क्लोजिंग होना कंपलसरी है। अगर 3990 के ऊपर आज बंद हो जाता है तो कल के सेशन में और तेजी देखी जा सकती है, लेकिन 3990 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 3990 के स्टॉपलस लगा के दोबारा से इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूज करना है, जिसका टारगेट 3900 और 3890 के आसपास एक पैनिक बॉटम बनने के चांसेज है, क्योंकि जो मेरा जो लेवल और स्टडी बोल रहा है उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ, और RSI भी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इस बॉट ये 50 डीमा के आसपास एक सपोर्ट बनना चाहिए। लेकिन अगर यही तेजी है तो यहाँ से हम नियर बाई स्टॉपलस हैं, तो एक छोटा सा स्टॉपलस लगा के इसको सेल किया जा सकता है। लेकिन ये 3880 के बाद क्या करना होगा, 3880 के आसपास हमें एक बॉटम ढूंढ करके वहां से अगर 30-40 पॉइंट की रिकवरी आती है तो हम फिर से 3930 के आसपास आता है, आज के लो के ऊपर कल के सेशन में अगर प्राइस आ गया, या कभी भी 3880 का बॉटम बनाकर, क्योंकि वहां से 30-40 पॉइंट की रिकवरी या क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है, तो फिर से हम उसको बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 3990 का अगर बॉटम बनता है या 3980 का बॉटम बनता है, तो वहां से लगभग 3960 या 50 के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग बेसिस पे बंद हो तो हम 4100 टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। लेकिन 4100 पे कंप्लीट रेजिस्टेंस है, शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है। अगर आपने मेरा वीडियो पिछले महीने का देखा होगा तो आप लोग को ध्यान होगा कि मैंने बोला था कि जनवरी में इसका टॉप बन जाएगा, उसके बाद अगले 2-3 महीना करेक्शन फेज में ही रहने वाला है। तो जितनी इसकी रैली होने वाली थी, इसने अपना टॉप बना चुका है और फाइनल टॉप अभी बनने वाला है। $72 का टारगेट है, जो हो सकता है सितंबर के बाद बने या अप्रैल के बाद बने, तो उसकी एनालिसिस आने वाले वीडियो में करेंगे। जब तक ये 3600
3500-3600 तक बॉटम नहीं बनता है, तब तक ये $72 जो डॉलर टर्म्स में जो टारगेट है या रुपया टर्म्स में आप 4800 4700 का जो टारगेट है अभी पेंडिंग है, क्योंकि हमारा जो टारगेट निकल करके आया है टाइम वाइज वो मई या सितंबर, ये आने वाले अप्रैल में क्लियर होगा, लेकिन अभी 2-3 महीने करेक्शन फेज में ही रहने वाला है। तो अब देखते हैं कि ये जो पुराना टॉप बना था उसका कितना परसेंट टाइम साइकिल एनालिसिस के बेसिस पे रिजल्ट मिला है, तो उसके लिए ये देखते हैं हम। ये हमने 24th का हाई और 14th का बॉटम इस पे पुट किया है सॉफ्टवेयर में, ये रहा बॉटम 14 का और ये रहा टॉप 24th नवंबर का, इसके बेसिस पे हम हाई प्रोजेक्ट करेंगे उसका टारगेट और टाइम। तो ये गैन टाइम साइकिल में हमने पुट कर दिया, 490 डिग्री के हिसाब से ये मूव किया है और इसका जो टारगेट निकल कर के आया है 29th दिसंबर, 13th जनवरी और 28th जनवरी, इसका जो फाइनल टारगेट डेट था, ये हर टारगेट पे इसने अपना हाई बनाया है। प्राइस वाइज में ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन डेट ये टारगेटेड डेट है, इस टारगेट डेट पे एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग बनता है, अब फिर से निचले लेवल से स्टॉप लॉस के बेस पे ये सारे रोड मैप है, इसके सारे स्टॉप लॉस है। अगर आपने 3601 के बॉटम बनाने के केस में आपके ये सारे रोड मैप है, 3631 के ऊपर बाई करना था, टारगेट था 3661, इस तरीके से सारे स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करते हुए जाने थे। ये 1x1 स्टॉपेज है, स्टेशन जिसको बोलते हैं हम, रोड मैप मीन्स 1x1 टारगेट अचीव होने के चांसेस होते हैं, और फाइनल स्टॉप लॉस जो है इस टारगेट का 3845, जो मैं आज भी बोल रहा हूँ कि 38, अगर ये टारगेट अप ट्रेंड में अभी भी क्रूड बरकरार है तो 3845 के लो को नहीं तोड़ेगा, जिस दिन भी 3845 के लो को तोड़ दिया तो उस दिन से गिरावट देखी जाएगी जो 3600 तक लेके जा सकता है, डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। तो अभी ये फाइनल स्टॉप लॉस ये रहा, लेकिन ये जो टारगेटेड डेट था हमारा लास्ट टारगेट डेट जो था 21 जनवरी, जो मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि इस महीने में गिरावट नहीं आने वाली है, तो सेम चीज इसने टारगेट जो 28 जनवरी को जो था, 28 जनवरी को हमारे यहाँ छुट्टी होने के कारण संडे होगा मे भी, जिस कारण से 29 को इसने जो हाई बनाया वही हाई इसने फाइनल हाई था, 29th जनवरी का जो हाई है 4271 का जो प्राइस वाइज हमारा 4224, तो ये डॉलर टर्म्स में ऊपर नीचे हो सकता है, प्राइस प्राइस से मतलब नहीं है, या तो डेट या प्राइस दोनों में जो अचीव करे वो आप उसको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लें। तो इस तरीके से हम इस तरीके से हमारी ये जो एनालिसिस होती है ये कंप्लीट गैन टाइम साइकिल के बेसिस पे डेट और टाइम दोनों निकाला जाता है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ये रहा हमारा क्रूड का परफेक्ट टाइम साइकिल एनालिसिस, और आने वाले समय में किस तरीके का इसका फ्यूचर रहने वाला है उसका भी मैंने आप लोगों को एनालिसिस किया। सिंपल सा समरी मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये 3880-3890 तक आता है तो वहां से रिकवरी आती है तो ही बाई करें, 50 डीमा के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बंद हो नीचे से पैनिक बॉटम बना के तो ही बाई करें। अभी अभी इस केस में 3990 और 4000 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से सेल किया जा सकता है क्रूड को, टारगेट जो होगा 100 रुपीज का टारगेट यहाँ से मुझे दिख रहा है, 80-90 रुपीज का। तो ये रहा हमारा एनालिसिस, और इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, एक्चुअली हम गैन टाइम साइकिल और इलियट टाइम साइकिल और इलियट वेव इस सब कंप्लीट कोर्स मैं 51,000 में कराता हूँ, 5 डेज का कोर्स है ये, और इस कोर्स से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर 9871604403 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।